जय जय देव भूमि उत्तराखंड। ओ दगड़ियों नमस्कार, पहला मिनट से हो तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सूर्य उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से आप सब लोगों का अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों नया दिन नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। आज जा रहे हैं हम बाजार, चलते हैं बाजार में और देखते हैं कि पहाड़ी बाजारों में किस प्रकार की आजकल चहल पहल हो रही है इस सावन के महीने में और किस प्रकार से वहाँ हमें नई ताज़ी देखने को मिलती है। तो रामप्यारी निकल चुकी है यहाँ से। अब ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं सफ़र की शुरुआत। जय भोलेनाथ, चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे सफ़र में। और आज के मौसम की बात की जाए तो आज हल्के फुल्के बादल हैं और फिजाओं में धूप लगी हुई है। इस प्रकार से सुंदर नज़ारे धूप के साथ देखने को मिल रहे हैं इन पहाड़ों के, सुंदर पहाड़ों के। तो बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की। तो हो गई है सफ़र की शुरुआत। देख सकते हैं आप दोस्तों गुलर का पेड़ और इस पे कितनी सारी गुलर लटकी हुई हैं। तो ये इंसान के खाने के काम नहीं आती है, वरना अभी तक तो ये चट कर दी जाती। तो भिक्यासैन मार्केट में भी आज कोई चहल पहल नहीं है खासी। बारिश की वजह से सब शांत पड़ा हुआ है पूरा मार्केट। तो करते हैं थोड़ा बहुत काम फिर निकलते हैं। भिक्यासैन आई थी तो फेमस दुकान यहाँ की जहाँ सबसे बेस्ट चाउमीन मिलते हैं, तो वहाँ पहुँच चुके हैं मैं और अमन भाई। बस चाउमीन आने का इंतज़ार हो रहा है। और आजकल जो भीड़ है वो दोस्तों देख सकते हैं आप, टेबल भी खाली, रश नहीं है यहाँ। और जिस टाइम पर सीजन होता है तो दबा के यहाँ, तो यहाँ लोगों को पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। तो आजकल लोग चौमास के साथ खाने में रड़ पड़े हैं। दोस्तों हमारी प्लेट पर छोले समोसे, तो आज हमने यहाँ चाउमीन नहीं छोले समोसे ऑर्डर करे। तो आ चुके हैं दोस्तों हमारे प्लेट में छोले समोसे। और अब तो आज चाउमीन आउट ऑफ स्टॉक चली है क्योंकि आजकल हल्का हल्का बना रहे हैं ये, क्योंकि भीड़ भाड़ कम है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं रायता, छोले और समोसे, इसका कॉम्बिनेशन चटनी के साथ। तो लेते हैं टेस्ट इसका, फिर बताते हैं आपको आगे। वही टेस्ट जब हम हर बार हम आते हैं तो सेम ही टेस्ट रहता है, टेस्टी टेस्टी। तो खाते हैं, मिलते हैं आपको आगे। मैंने KFC में मैंने कौन सा मसाला सीक्रेट छुपा के रखे हैं ये देख सकते हैं आप दोस्तों। ये है पहाड़ी रायता ककड़ी का, जो आप विलुप्त होने जा रही है। तो दिन बढ़ते बढ़ते दोस्तों आप देख सकते हैं भीड़ भी बढ़ चुकी है भिक्यासैन मार्केट की, और बसें भी लगी हुई हैं कोई मानला के लिए, चकोटिया देघाट के लिए, इधर साइड भी। हम भी चलते हैं यहाँ से, हमारा भी काम हो चुका है, अमन भाई का भी हो चुका है, अब निकलते हैं। तो घर, और गर्मी भी काफ़ी हो रही है। घर पहुँचते ही हमारी अम्मा ने निकाल लिए हमारे लिए चुस्की आम। तो भिक्यासैन से आगे गर्मी में चुस्की आम मिल जाए तो बंदरमुखी चुस्की आम मिल जाए तो बात ही कुछ अलग होती है। तो इसमें भी चुस्की आम अम्मा ला चुकी है और उसमें भी वैरायटी है। एक है बंदरमुखी वाला आम, ये रेड रेड कलर का, और ये है जो हमारे गांव का सबसे मीठा आम है। तो करते हैं आम पार्टी। और तो चुस्की आमों का लिया जा रहा है मजा। पूछते हैं इनका टेस्ट कैसा है, वाक्यों में है मीठे या खाली ऐसे ही इनको मीठा बताया जाता है। बहुत मीठे हैं भैया। तो दोस्तों सावन का महीना भी है और आज हमारे गांव में शिवाचन भी है। तो चलते हैं, अब भिक्यासैन का जो काम होना था वो हो चुका है, अब चलते हैं सीधा ऊपर शिवाचन में और मिलते हैं वहाँ किस किस प्रकार के काम हो रहे हैं। तो जो गांव में दोस्तों इवेंट होते हैं उनमें कोई टेंट वेंट वाले, खाना बनाने वाले नहीं बुलाए जाते हैं, सारे गाँव वाले सामूहिक उस काम को सम्पन्न कराते हैं। काम एक का और योगदान सबका होता है। अब वहाँ चलते हैं, सब्जी वब्जी काटते हैं, सब्जी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। गुड्डी देख रहे हैं हमें, उसको भी आने की जिद हो रही है पर हम अभी उसे ले जाएंगे नहीं। तो ये मेरा घर है और यहाँ से है दोस्तों ऊपर की बाखली, दिख नहीं रही है, सीधा वहाँ जाना है हमने, मिलते हैं वहीं जाके। पहुँच गए हैं दोस्तों हम ताऊ के घर और यहीं आज शिवाचन का आयोजन है। पीछे हमारे गांव के लोग लगे हैं साग सब्जी काटने पर और तौल में चढ़ा दिया है आलू, हम भी करते हैं काम। तो ये है दोस्तों, और ये जो साग सब्जी आ रही है सारी ऑर्गेनिक है, पहाड़ की कद्दू पहाड़ी हैं, बेलों पे लगे थे और यहाँ चढ़ चुके हैं आलू। तो हम भी करते हैं थोड़ा हेल्प। और तो हो गया दोस्तों सब्जी बनाने का टाइम, और पीछे सब्जी कटी रही है अभी भी, और इधर मैं और हरीश भाई छोले को घोंट रहे हैं, फिर बनाने के लिए डालेंगे डेग में
और उधर हमारी कद्दू की सब्जी बन रही है। तो ये हमारी ये घोंटने के लिए ये छोले घोंटने के लिए तैयार हो चुके हैं और इसमें हमने चढ़ा दिए हैं और उधर कद्दू की सब्जी भी चढ़ गई है और इधर कट रही है सब्जी। हरेश भाई और मेरा जिम्मा है आज सब्जी बनाने का और इधर आलू हो चुके हैं तैयार। तो इस घर में है आज शिवाचंद दोस्तों के मसाला बनाने की तैयारी हो चुकी है। चढ़ गया है मसाला, इधर है चने और जो कद्दू की सब्जी है वो बन चुकी है और इधर हो रहा है टी ब्रेक। तो सब्जी बनने की प्रक्रिया भी हो गई है शुरू। इधर हमारी सूखी सब्जी चढ़ी है और कद्दू की सब्जी और छोले बन चुके हैं। सूजी बनने के बाद करते हैं पूरी बनाने की प्रक्रिया। तो खाना बन के हो चुका है रेडी और अब हो रही है आटा गूंदने की तैयारी पूरी बनाने के लिए। तो चलते हैं गूंदते हैं, मिलते हैं आपको। तो आटा लगाने की हो चुकी है तैयारी, अब लगाते हैं आटा, उसके बाद मिलते हैं आगे।